ओके तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना है सेटलमेंट, और कौन सी ये जो सेटलमेंट है ये हमारी होने वाली कंसोलिडेटेड सेटलमेंट। तो यहाँ पे तीन स्टेप होती है, अगर ये तीन स्टेप जो है ये वाली, ये दूसरी और ये तीसरी, अगर ये प्रॉपर समझ ली तो इसे इजीली सॉल्व कर पाऊंगे। तो अभी मैं इसे थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो ये समझते हैं ये वाला स्टेप क्या है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है सी सी। तो इसमें फॉर्मूला तो बहुत आसान है, 0.09 इंटू इन ब्रैकेट डब्ल्यू एल माइनस 10। अब यहाँ पे -10 और 0.009 जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसका कोई इश्यू नहीं। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू एल क्या है वो समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू एल जो है, यहाँ पे दिया है टेक एल एल इक्वल टू 55%। तो यह समझ लो कि जो डब्ल्यू एल होता है ना उसको एल एल ही बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में वो डब्ल्यू एल दिया होगा, कई बार एल एल दिया होगा, कितना दिया है 55%। अब यहाँ पे गलती से भी इसे पॉइंट में मत कन्वर्ट करना कि 55% है तो 0.55 हो जाएगा। नहीं, उसको वैसे ही रहने देना। मैं कैलकुलेटर पे तुम्हें करके दिखा देता हूँ कि कैसे इसको करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, बहुत आसान है। एग्जाम में इसको अगर आ जाए तो ये वाला छोड़ना मत, इसकी स्टेप पर समझने की ज़रूरत होती है। अगर समझ गया और फॉर्मूला रट लिया तो कोई भी कर लेगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसका जवाब क्या आएगा, 0.405। अब यहाँ पे ये जो है सी सी, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट यूनिटलेस ये है। और जो भी है नेक्स्ट जो है, अब हमें ई कैलकुलेट करना है। अब ई कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो ये होता है कि ES इक्वल टू डब्ल्यू जी। अब यहाँ पे तुम ये ऐसे भी लिख सकते हो कि E इक्वल टू डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाय S, क्योंकि ये S यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन सिर्फ हमारे ये जो S जो है वो एक ही है, तो इसे हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। और वो एक कैसे है कि हमें ये जो सेचुरेशन, ये जो है सेचुरेशन, इसका मतलब सेचुरेशन होता है, वो हमें दिया नहीं है। तो अगर सेचुरेशन नहीं दिया है तो हम ये अज्यूम करते कि वो 100% सेचुरेशन है। तो अगर हम ये अज्यूम करेंगे कि वो 100% है तो डेसिमल में कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 100। तो उसका जवाब तो आसान है, एक आ जाएगा। तो इसलिए हम सेचुरेशन का एस जो है अगर दिया नहीं तो उसे 1 अज्यूम करते, क्योंकि हम अज्यूम करते 100% सेचुरेटेड कंडीशन। इसके बाद आते हैं कि W क्या है। तो ये जो W है इसे WN कहते हैं। कई बार W दिया गया होता है, कई बार WN दिया होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में ज़्यादातर टाइम जो है 99% या 95% मान लो उसका W या WN ही होता है, तो कितना है 40%। अब यहाँ पर इसे पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत, यानी कि डेसिमल में। मैं ये फास्ट फास्ट में करके दिखा देता हूँ ताकि तुम्हारा भी टाइम से हो। तो ये डेसिमल में कितना आएगा, 40 डिवाइड बाय 100, 0.4। यहाँ पे मैंने 0.40 ले लिया है, लेकिन आंसर सेम ही आता है क्योंकि इसके कोई इशू नहीं होते। तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे कि 0.4 इंटू 2.7 अगर ये करोगे तो हमारा जवाब आएगा 1.08। बाय द वे ये जो है 2.7 है, यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने पेंसिल से इसे मार्क किया है यहाँ पे, तो ये 2.7 है। अब ये 2.7 कहाँ से आया, तो ये जो ग्रेविटी, जी का मतलब होता है ग्रेविटी। तो अगर ये हमें दिया नहीं है तो इसे अज्यूम करते हैं 2.7, और ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जी दिया नहीं है तो ये हमें अज्यूम करके चलना पड़ता है। तो हमारा जवाब क्या आएगा, 1.08। अब नेक्स्ट जो है वो है, अब ये हमारा रियल क्वेश्चन, अब ये फाइनल स्टेप है। ये कैलकुलेट करना है कॉन्सोलिडेटेड सेटलमेंट एस। एस क्या होता है, कॉन्सोलिडेटेड सेटलमेंट। उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, तुम पढ़ सकते हो। सी सी जो हमने पहले स्टेप में कैलकुलेट किया डिवाइड बाय 1 प्लस ई, जो हमने दूसरी स्टेप में कैलकुलेट किया इंटू एच। अब ये एच क्या होता है, तो एच जो है ये हमारी हाइट होती है बेसिकली। ये जो यहाँ पे जो है फॉर अ क्ले लेयर 1.5 मीटर, ठीक। अब मान लो ये क्ले लेयर है, ऐसी एक मिट्टी है,
क्ले इतनी बड़ी मिट्टी है और ये ऐसा है, ऐसा हमने गड्ढा खोदा है, तो यहाँ पे जो थिकनेस आएगी यहाँ से लेके इसे हम हाइट भी कह सकते हैं, डेप्थ भी कह सकते हैं, या थिकनेस भी कह सकते हैं, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन में कई बार ये भी होता है, हाइट बोला होता है यहाँ पे थिकनेस की जगह, या डेप्थ बोला होता है, तो ये एच होता है, तो ये समझने की जरूरत है। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि हाइट जो है वो ज्यादातर 1 मीटर से आसपास ही होती है, 1.5 मीटर के, क्योंकि हम फाउंडेशन की हाइट 1.5 मीटर से ज्यादा ही देते हैं और वो हमेशा मीटर में रहेगा, ये जो एच रहेगा वो हमेशा मीटर में रहेगा। तो ये समझ, अगर तुम भूल जाओ कि एच क्या था यार, ये देख लिया ना, ये क्वेश्चन में मीटर का दिया गया है, अच्छा याद दिया है, तो ये एच होगा। फिर इसके बाद लॉग 10 इंटू पीओ क्या है, पीओ तो ये जो हमारा पीओ जो है वो हमारा इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर हो जाता है, पीओ इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर कितना है यहाँ पे देख सकते हो, 105 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे नीचे भी पीओ ही है, तो डेल्टा पी क्या है, तो हमारा जो डेल्टा पी है यहाँ पे तुम देख सकते हो, इंक्रीमेंट जो हुआ है लोड का, वो मतलब जो लोड जो है पहले क्या था, 105 था, ठीक है, तो अब यहाँ पे 105 से ये प्लस हमने इसे 12 ऐड किया, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 117, 117। तो अगर तुम्हें यहाँ पे कई बार क्या दिया गया था होता है, ये जरूरी क्यों है कि कई बार यहाँ पे इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर की जगह तुम्हें बोलते कि फाइनल या टोटल बोल देते, टोटल ओवरबर्डन प्रेशर, टोटल प्रेशर, तो उस समय जो है तुम्हें डेल्टा पीओ प्लस डेल्टा पी करने की जरूरत नहीं। अगर वो फाइनल या टोटल अगर बोला है तो वो डायरेक्टली ले लेना। और रही बात ये जो पीओ है नीचे, वो हमारा इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर हटाए, अगेन उसका भी बहुत तो मैंने बता दिया कि वो कौन सा है, ये वाला। और अगर इस पीडीएफ का लिंक चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उससे तुम डाउनलोड कर सकते हो, और मैं ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ अभी कि ये कैसे जवाब हमारा आता है। तो यहाँ पे ये जो है यूनिट्स, बहुत यहाँ पे इसका बाय द वे यूनिट जो है सेटलमेंट का वो मीटर में, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे एमएम में लिख सकते हो, क्योंकि एमएम में वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर आ जाता है कि 0.137 मीटर कैसे हो गया, क्योंकि एग्जामिनर के पास ये जो जवाब आएगा या रहेगा वो मीटर में नहीं रहेगा। हालांकि मीटर में लिख दिया तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसे एमएम में लिख देना, क्योंकि अगर तुम इसे एमएम में लिखोगे तो एग्जामिनर का जो क्वेश्चन होगा उससे अच्छे से मैच कर पाओगे, जो भी उसका सॉल्यूशन होगा एग्जामिनर का उससे तुम ये अच्छे से मैच कर पाओगे। ओके तो ये मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो 0.0137। अब इसे मीटर एमएम में कैसे कन्वर्ट करोगे, जो भी जवाब आए आंसर इंटू 1000 कर देना, सिर्फ इतना ही है। और जब तुम एक काम कर देना, इसके ऐसे जब लिखोगे मीटर में उसके नीचे ऐसे करके लिख देना, इससे होगा ये कि मान लो एग्जामिनर के पास अगर ये मेजोरिटी और बताएं क्या होता है, एमएम में होता है, क्योंकि सेटलमेंट हम एज अ प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर जो है वो एमएम में कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे नीचे एमएम में करके अंडरलाइन ऐसे कर देना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, और ये पीडीएफ जो है इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो।